हाय। तो लॉन्ड्री सॉर्ट आउट करते करते मैंने सोचा आपसे मैं कुछ बातें कर लूं। पहली बात कि उस दिन मुझे बेचैनी हो रही थी ना, तो एक्चुअली हुआ ये कि नानी का कल पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया। अब शुक्र है सब ठीक है, 2 दिन हो गया, मुझे आज पता चला, बट यू नो सब ठीक है। तो यू नो जब मेरा दिल घबराता है ना ऐसा, तो यू नो अक्सर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आज मुझे इसका रियलाइजेशन हो गया एंड मैं सही थी, यू नो उस बात की रियलाइजेशन हो गया मुझे। दूसरी बात यह है कि मैंने पिछली व्लॉग्स में भी कहा मुझे कैसे लड़का चाहिए शादी के लिए, यू नो प्यार की परिभाषा क्या है, शादी किससे करना चाहिए। ऐसे मैंने 5-6 व्लॉग्स तो आई थिंक बनाया ही है। बट अब सवाल ये था मेरे मन में कि अगर जैसा लड़का मैं चाहती हूँ, अगर अगर वो ऐसा आ भी गया तो क्या मैं उससे शादी करूँगी? क्या मैं उसके लिए अपने दिल की दरवाजे खोलूँगी? नहीं, आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उस लड़के में कुछ कमी है या फिर वो वैसा नहीं निकला जैसा मैं चाहती थी। नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे पास्ट की बैगेज जितना था कि उसकी वजह से अगर कोई ऐसा लड़का भी मिल गया जो मुझे चाहिए था तो भी मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगता था कि ये माइंड गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, डिसेप्टिव है, यू नो दिखाता कुछ और है, वे कुछ और होता होगा ना, वो वाला फीलिंग में थी मैं। बट कल जब मेरे मम्मी की दोस्त की बेटी आई हुई थी, 7 साल की बच्ची है, उससे मैंने हग किया, उसे अपनी गोद में बिठाया, उसे चीक्स पे किस किया, जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही किया। तो समझ में आया कि मुझे यही तो चाहिए था ज़िंदगी से। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस ख़राब है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि यू नो तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान पे भी शक करो, यू नो एक अच्छे और यू नो डिसेंट लड़के को भी तुम मैनिपुलेटर और प्लेयर टैग कर दो। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो, यू नो। हाँ, एक्सपीरियंस से सीखना अच्छी बात होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई एक जैसा ही होता है ना। तो फाइनली मैंने अपना फैसला किया है कि मैं अपने दिल के दरवाजे खोल दूँगी और प्यार को आने दूँगी। एंड होपफुली अगर ऐसा लड़का मिल गया जो मुझे चाहिए था तो सोने पे सुहागा। बट एक अच्छी चीज़ हुई है, इतने दिनों से मैं परेशान हूँ, यू नो कभी तबीयत खराब होती है, कभी नानी बीमार होती है, कभी घर का काम पड़ यू नो बढ़ गया, कभी यू नो मुझे अकेलापन महसूस हुआ, कभी यू नो मुझे किसी चीज़ की यू नो करने की मन नहीं किया। काफ़ी बार ऐसा लगा कि कोई होता साथ में तो अच्छा होता, कोई यू नो बातें कहने वाला, बातें सुनने वाला, यू नो जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहे, टेम्पररी इंसान नहीं, यू नो उस बात की कमी खल रही थी। बट मैं फिर भी टालती जा रही थी कि नहीं नहीं प्यार होता ही नहीं है, ये सब जैसा लड़का मुझे चाहिए वैसा मिलेगा नहीं। एंड मैंने जो सच्ची प्यार की परिभाषा बोला है, शायद ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, यू नो ये सब मेरी इमेजिनेशन है। तुमने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर दिया, ऐसे लोग होते ही नहीं होंगे, यू नो ये सब सोच सोच के। पर नहीं यार, आज 1 बजे से लेके 5 बजे तक वो 4 घंटे गए तो गए। एक्चुअली मुझे 1 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए था क्योंकि घर के सारे काम हो गए थे, मेरे नहाना धोना हो गया था, अफर्मेशन हो गए थे, ग्रेटिट्यूड हो गए थे, क्या क्या करना है वो लिस्ट भी कंप्लीट हो गया था, सब कुछ हो गया था। इनफैक्ट मैंने खाना भी चावल बना दी थी, आटा गूंद के रख दिया, सारे मटके भर दी, यू नो नाश्ता कर लिया, विटामिन ले ली, सब हो गया। बट वो जो उसके बाद मुझे जो हिट हुआ जब मैं पढ़ने शायद रोक के रखा ताकि मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचूं, अगर मैं वो किताबी कीड़ा बन के अगर सिर्फ इसी में डूबी रहती तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में जो मुझे कमी इतने दिनों से महसूस हो रही थी वो कमी एक्चुअल में क्या था। मेरी यू नो बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दिया था भगवान ने, वरना मैं पढ़ाई में डूबी रहती, पढ़ती, स्किन केयर करती, ब्लॉग्स बनाती, सो जाती, पर कभी इन चीज़ों के ऊपर मेरी नज़र जाती नहीं
कभी ये एहसास होता ही नहीं कि मैंने दरवाजे बंद करके रखा है। अगर मैंने दरवाजे बंद करके रखा है तो कोई कैसे अंदर आ सकता है ना, दरवाज़ा खुला हुआ ना चाहिए ना। तो बस अब मुझे उस बात का रियलाइजेशन हो गया, तो मैंने फाइनली 4.5 साल बाद अपने दिल की दरवाजे खोले। एंड इस बार मैं पूरी तरीके से भगवान जी पे सरेंडर करती हूँ। हाँ, जब मैं जिम जाती थी एंड मैं डेंटल प्रोसीजर चले जाती थी, वहाँ बच्चों को मिलती थी, तो मैंने फ्रेंडशिप के दरवाजे वापस खोले थे। एंड प्यार की जो खिड़की होती ना, छोटा सा खिड़की, क्रश वाली खिड़की, वो खोली थी, बट प्यार का नहीं खोला था। अब फाइनली मैं यूनिवर्स पे भरोसा करते हुए आई एम कम्प्लीटली सरेंडरिंग एंड ओपनिंग द डोर्स टू लव। होप टू बी वो लड़का आए जो मैं चाहती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।